अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फातिमा कलेक्शन US व्लॉग। आज हम आपके साथ चिकन की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। आज हम आपके साथ चिकन यखनी पुलाव अर्जेंट जो फटाफट बनेगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए हमें चिकन चाहिए जी। चिकन है 1/2 kg। एक अनियन हमने इसे काट के रखा हुआ है। ये चिलीज हैं, 2 चिलीज हैं, इसे बड़े बड़े साइज में कट किया ताकि अगर हम छोटे साइज में डालेंगे वो मुंह में आएंगी तो उससे आपको वो जिस तरह करवाहट महसूस होती है ऐसा होगा कि वो तीखी लगेंगी। ओके जी, ये एक बड़े साइज का टमाटर है। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये देखेंगे आप, एक जिंजर गार्लिक पेस्ट 1-1 चम्मच है। और 1 ही चम्मच आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीन चिलीज का, 1/2 कप ऑयल। और ये 3 हमने ग्लास लिए थे, हमने ग्लास के साथ इसकी मेजरमेंट की थी। 3 ग्लास हमने चावल लिए थे जो आधा घंटा पहले हमने भिगो के रखे हुए थे। ओके जी, इसको जब आपने भिगोना है तब आपने तकरीबन 1/2 चम्मच नमक का डाल दें तो उससे आपके चावल टूटेंगे नहीं। ओके जी, ये नेक्स्ट है हमने साबुत गरम मसाला लिया है। इसमें आप देख सकते हैं जीरा है, काली मिर्च है और ये दालचीनी है। नमक हमने 1 चम्मच लिया था, हमने टेबलस्पून हमने 1 टेबलस्पून नमक लिया था, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1 ही चम्मच गरम मसाले का है और 1 टेबलस्पून हरा ये धनिया है, सूखा धनिया जो क्रश किया हुआ है। ओके जी, अब हम आपको बताएंगे कि इसको पकाना कैसे है। ये देखें, हमने पानी पहले बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, पानी को तकरीबन बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम स्टॉक बनाने के लिए, कि यखनी बनाने के लिए, क्योंकि यखनी पुलाव हम बना रहे हैं ना, हम इसमें डालेंगे चिकन। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 2 ग्लास ऑफ वाटर होगा, इसके अंदर जाएगा चिकन। ये देखें, सारा ऑलमोस्ट चिकन हमने जो 1 kg लिया था इसमें डाल दिया है। अब हम स्टॉक जो बनानी है, हमने यखनी बनानी है, इसमें हम ये देखें 1 चम्मच हमने ये लिया है सॉल्ट का, ये हम डालेंगे इसके अंदर। ओके जी, इसको हमने डाल के तो हमने इसको ढक के रख देना है। अब हम इसे ढक के रख रहे हैं, जब हमारा गोश्त तकरीबन अच्छी तरह से बस पका हुआ होगा, थोड़ा सा होगा कि कम पका हुआ होगा कि थोड़ा सा उसके अंदर कसर होगी, तो तब हम गोश्त अलहदा कर लेंगे और स्टॉक अलहदा एक जग में डाल लेंगे और देखेंगे कितने पानी ये स्टॉक है। फिर जितने पानी ये स्टॉक के होंगे उससे हम ज्यादा दूसरा जो सा हम ये स्टॉक थोड़ी सी डालेंगे और वाटर ऐड कर देंगे बीच में। ओके जी, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमने कढ़ाई रखती थी चूल्हे के ऊपर, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये ऑयल। ये तकरीबन हमने 1/2 कप ऑयल लिया था, 3 ग्लास हमारे चावलों के थे। इसमें डालेंगे हम प्याज, अब हम करेंगे प्याज को ब्राउन। ये देखें ये पिंक शेड में आ गए हैं, अभी हम थोड़ा सा और इसको ब्राउन करेंगे। हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ज्यादा भी ब्राउन नहीं करना क्योंकि मुझे ज्यादा बिल्कुल ब्लैक ब्लैक चावल नहीं पसंद है, ये जो बिल्कुल ब्लैकिश खून में चले जाए वो तो गुड़ वाले चावल लग रहे होते हैं। ये देखें ये ब्राउन होना शुरू हो गया, हम थोड़ा सा और इसको ब्राउन करेंगे, फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। ओके जी, सबसे पहले मैं डालूंगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें अब इनके डांसिंग शुरू हो गए, अदरक लहसुन का पेस्ट किया, ये गई ग्रीन चिली और ये साथ ही इसको मसाले को थोड़ा सा हमें भी लेना है। और ये जितने स्पाइसीज आपको मैंने बताए थे ये तमाम स्पाइसीज इसके अंदर जाएंगे, इसको भी डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब थोड़ा सा हम पानी तक लगाएंगे इसमें छिंटा, पानी का थोड़ा सा छिंटा लगाएंगे हम इसको।
ये देखें जी, अब हम देखते हैं यखनी को। ये देखें, गोश्त आलमोस्ट हमारा हो चुका हुआ है। अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ और गोश्त को हम एक अलग प्लेट में डालेंगे और इसको मेजर करेंगे कि यखनी के कितने ग्लास हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ओके जी, ये देख सकते हैं आप कि ये चिकन जो सा है बॉयल हो चुका है। ये हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और ये स्टॉक है, स्टॉक जो है ये 6 ग्लास है। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हम मसाला हमने ये बनाया है, ये जो हमने ब्राउन किया था, इसके अंदर हम ये डाल के स्टॉक थोड़ा सा गोश्त को भूनेंगे। ये देखें, ये गोश्त भून रहा है। हम थोड़ा सा भूनेंगे, ये हम थोड़ी देर इसको इसके मसाले में भूनेंगे, फिर उसके बाद हम स्टॉक ऐड करेंगे इसमें। ये देखें, ये आलमोस्ट भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्टॉक जो हमने 6 ग्लास रखी थी, इसमें रखना मेरा है। ओके जी, स्टॉक अंदर गई। ओके जी, ये मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। अब जब आपने ये मिक्स करना है तो तब आपने ये देखें, ये मैंने एक टेबल स्पून नहीं टीस्पून, एक टीस्पून थोड़ा सा बिल्कुल आपने बीच में लेमन डालना है। इससे क्या होगा, आपका चावल जो बनाएंगे आप वो बड़ा अच्छा खिला हुआ बनेगा और टूटेगा नहीं। हाँ जी, जब आप ये देख रहे हैं, ये हमने गोश्त बीच में डाल दिया है, पानी भी डाल दिया, स्टॉक जो थी वो हमने इसके अंदर डाली है 6 ग्लास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जब बबल्स बनना शुरू होंगे इस स्टॉक में, बॉयल आना शुरू होगा, तब हम इसमें चावल डालेंगे। फिर चावल डाल के तो हम इसे थोड़ा सा तेज, नॉर्मल तेज जिसना कहते हैं, मीडियम जिसना होती है ना फ्लेम, मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम, उसके ऊपर हम राइस पकाएंगे। ओके जनाब, ये देखें, ये इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे राइस। ये देखिए जी, अब हम इसके अंदर ये जो हमने 3 ग्लास चावल भिगोए हुए थे ये हम डालेंगे। ये तमाम चावल बीच में चले गए हैं, इसको हम करेंगे ऐसे मिक्स, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है और मीडियम हाई फ्लेम आपके चूल्हे को होना चाहिए, ज़्यादा तेज फ्लेम ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो। ओके, अब इस लेवल पे मैं इसका नमक चेक करूँगी, जब आप चावल डालेंगे तब आपने नमक चेक करना है। इसमें थोड़ी सी मुझे कसर रहती लगती है कि नमक हमारा जिस तरह कम है, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक आपको मैं दिखा के ही डालूंगी। ये देखिए, इतना नमक मैं और ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसके अंदर नमक ऐड किया था, तो नमक ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ढक के रखना है और आपने थोड़ी देर बाद ढक्कन उठा के चेक करना है इसका कि चावलों में पानी खत्म तो नहीं हो गया, कि चावलों में पानी कितना है। अगर आपकी कढ़ाई का पैंदा जो सा है मोटा है तो तब आप नीचे तवा ना रखें। हमारी कढ़ाई का पैंदा इतना मोटा नहीं है, हम इसके नीचे तवा रखेंगे। ओके, ये देखें, अब हम इसका ढक्कन उठा के ज़रा पानी का लेवल चेक करेंगे कि पानी का लेवल कितना है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें बहुत कम पानी रह गया है, अब थोड़ा सा और वेट करेंगे, जब इसका पानी थोड़ा सा और कम होगा हम नीचे रखेंगे तवा और इसको लगा देंगे दम। ओके, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा। ये देखें, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम पानी की मिकदार है। अब हम इसके नीचे रखेंगे तवा, तवा रखने के बाद हम आपसे मिलते हैं जी। ये देखें, ये हमने इसके नीचे रखा है तवा, आप देख सकते हैं ये तवा हमने रख दिया है और हमने हीट कर दी है इसकी, बिल्कुल स्लो दम वाली हीट हमने कर दी है। आप ये ढक्कन उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे इस स्टेज पे हम ढक्कन नहीं उठाते इसका। ये देखेंगे,
ये आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस एंड यम्मी किस्म के लग रहे हैं। जब खाएंगे तो क्या फ्लेवर होगा। ओके जी, हम इसे कवर करते हैं, इसको लगाते हैं दम पे और मिलते हैं कुछ देर। ओके जी, ये अब हम इसके ऊपर से लेड उठाने लगे हैं। अब मैं फेंकूंगी इसके अंदर चम्मच, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने साइडों पर से ऐसे फेरना है ताकि चावल टूटे ना। उफ, क्या जबरदस्त खुशबुएं आ रही हैं, मजे मजे की। ओहो, अब हम इसको निकालते हैं एक प्लेटर में। प्लेटर में निकाल के तो फिर मैं अपनी बेटी को टेस्ट करवाऊंगी। ये आप देख सकते हैं अकेला अकेला दाना है, जबरदस्त किस्म का बना हुआ है। आपने फ्लेम कर देना है ओ जैसे ही आपके राइस बनेंगे। ओके जी, ये बना है यखनी, चिकन यखनी पुलाव। ये देखें, अब हम ये रखेंगे यहाँ पर। अब मैं अपनी बेटी को ये टेस्ट करवाती हूँ, वो टेस्ट करके देखेगी कि इसका टेस्ट कैसा है और हमें बताएगी। और आपने क्या करना है, आपको कुछ याद है आपने क्या करना है? आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन दबाना है। ओके ओके जी, ये देखें, ये मेरी बेटी अब इसको टेस्ट करके बताएगी। इसको हमने डाइनिंग पे बताया है, हमने कहा अच्छी तरह से आपको प्रेजेंट करके दिखाया जाए ना, हमने कहा कि बैठे और खाए। ओके जी, बेटा जी इसको टेस्ट करें जरा, थोड़ा सा आपने गर्म है राइस, ध्यान से टेस्ट करना है। कैसे बने हैं? यम्मी यम्मी। लोग तो मेरी मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल का आइकन लाजमी दबाना है। ओके, ये देखें जी, हमारे बेटे को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आई है। आप भी इसे बनाइएगा, खाइएगा और लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा। देखें, हमारी बेटी ने भी आपको कहा है। ओके जी, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए